आज हम कहानी बताने जा रहे हैं आपको अमित की। अमित की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारा देश, जो नया भारत है जिसमें हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम चांद तक पहुंच गए हैं, वहां पर आज भी इतनी घिनौनी हरकत हो रही है, वो भी दिल्ली से सटे नोएडा में। अमित के साथ जो हुआ है वो सुन के आप शर्मसार हो जाएंगे। 2 दिन पहले अमित, जो कि लहसुन की ठेली लगाता है नोएडा के फेज 2 में, सिर्फ 3,000 रुपए के लिए उसको निर्वस्त्र किया गया, उसको नंगा किया गया, दिन दहाड़े पूरी मंडी में हजारों लोगों के सामने पीटा गया और पीट करके पूरी मंडी में नंगा घुमाया गया। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। अमित बहुत सकते में है, वो अपनी कहानी बताएगा, लेकिन सोचिए कि दिन दहाड़े ये सब कुछ होता है और हजारों लोग मूक दर्शक बने खड़े रहते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? अमित चौहान। अमित चौहान। अमित, क्या हुआ आपके साथ 2 दिन पहले? मैंने उनसे सब्जी ली थी बहुत दिन पहले, तो मैं जो उसे सब्जी में पैसे घट गए, पानी बरस गया तो माल बिका नहीं, तो आपने मैंने पैसे लिया था? जो जिन्होंने आपके साथ ये किया हरकत, वो आड़ती हैं, बड़े आड़ती हैं? आड़ती हैं वो अच्छा, आड़ती हैं वो। तो आपने उनसे लहसुन लिया था, क्या लिया हरी था? सब्जी ली थी हरी सब्जी ली थी बेचने के लिए। बेचने के लिए, ठीक है, कितने रुपए की ली थी? मैंने ली थी 5,500 रुपये की ली थी, तो 2,500 रुपये मैंने दे दिए जिस दिन पकड़ा था मुझे परसों, तो बचे थे 31-32 रुपये बचे थे, तो मैंने कहा भाई साहब ये बाद में दे दूंगा, तो वो पता नशे में थे पता नहीं कैसे थे, मैं तो हाथ में डंडा ले लिया उनने और मुझसे कह रहे कपड़े उतार, तो मैंने कि चाच मैंने कि भाई साहब मैं आपको दे दूंगा, मैं आपके पास पल्लेदारी कर लूँगा या आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। आपने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा, थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, 2,500 आपने दे दिए 5,500 में। मैंने वो 25-26 रुपये दे दिए, तो फिर वो नहीं माने वो, तो मुझसे कहा मेरे कपड़े उतारिए, तो मैंने कहा ना उतारूँ, तो उन्होंने डंडा मार दिया, तो मैंने डंडे के मारे मैंने उतार दिए शर्ट, फिर कह रहा पैंट भी उतार, तो मैंने कि पैंट भी उतार दी, हमने कुछ थोड़ी देर कुछ कहेंगे हमने दे देंगे बाद में, तो कह रहा अभी कच्छा भी उतार, तो मैंने कि कच्छा मत उतारो सर, मैंने कि मंडी चल रही है सब देख रहे हैं मुझे और मुझे जानते भी हैं, और फिर आपके सामने अगर नंगा होगा शर्म लगेगी, तो वो नहीं माने, तो उनने कही उतार नहीं तो मारूंगा मैं तुझे, उन्होंने बोला आप अंडरवियर भी उतारे नहीं तो मारूंगा। मारूंगा, तो उनने हम नहीं उतार रहे, तब भी उनने एक मार दिया, फिर डंडे के आगे तो उतारना पड़ा मुझे, आपको मारा फिर आपको उतारना पड़ा? हाँ मुझे मारा फिर मैं उतारना पड़ा मुझे, फिर मुझे वहाँ से नंगा भेज दिया मंडी से कम आधा किलोमीटर दूर करा मतलब जा। नंगा आपको पीटते पीटते भी रहे? हाँ मैं एक जगह छुप भी गया बैठ के, तो मैंने कुछ उठा लिया तो हमने लगा लिया ऐसे करके, तो वो आए तो डंडा से लेके वो भी हटा दिया उनने, और मैं जो मुझे कपड़े एक लड़का देने आया था वो कह रहा लिपि ये वाले पहन ले गंदे संदे, तो उसे भी धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कौन है इसका हमराती बता, मैं कौन है इसका हमराती, और तो जो लोग बचाने आ रहे थे उसको भी कह रहे थे कि देखते हैं कौन बचाने आता है, कौन है इसका हमराती, कौन हिमायती उसका। तो उनने जो दे रहा था वो भी डर के मारे खड़ा रहा, वो भी चला गया, फिर मैं ऐसे नंगा चला गया शौचालय में, फिर मैंने पुराने कपड़े पहने किसी के डरे हुए, और मैं सीधा चला गया रोते रोते चौक। रोते रोते चले गए। आप जो इस समय, मैं इनके बगल में बैठा हूँ, अमित का पूरा शरीर कांप रहा है इस वक्त, अमित का पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा है। अमित, पूरी मंडी में घुमाया आपको बिना कपड़े के? आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर घुमाया और आपको डंडे मारते रहे? डंडे मारे, मेरी वीडियो बना दी और नेट पे डाल दी, पूरी दुनिया ने देख ली, आपकी वीडियो बनाई और नेट में भी डाल दी, पूरी दुनिया ने देख ली। हाँ जी, क्या मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए लेकिन कितना मुश्किल है आपके लिए? मैं तो गांव भी ना जा सकता, मुझसे शादी भी कौन करेगा, ना मैं अपने घर जा सकता गांव, मेरे भाभी भैयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे बहनों ही ने देख ली होंगी ये वीडियो, कह रहे हैं मुझे को नंगा पिटरा गांव में, शर्म के मारे कौन जाएगा ऐसे। नहीं, आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, शर्म उन लोगों को करनी पड़ चाहिए जो जिन्होंने आपके साथ ये बर्बरता की, शर्म उन लोगों को करनी चाहिए जिन्होंने आपको पिटते हुए देखा और आपकी मदद के लिए नहीं आए, शर्म उनको करनी चाहिए, आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आम आदमी थे, वो जो सब्जी वब्जी लेते हैं उन्हें से क्या मतलब उनका, और कोई अपना होता तो बचा भी लेता, तो कोई बचाने नहीं आया? कोई नहीं। पुलिस ने आपके बयान लिए? हाँ जी लिए। पुलिस का बर्ताव कैसा रहा? उनका बढ़िया रहा, उनने हमारी तरफ अब सपोर्ट दी, गए ये गंदा काम इनने किया है इसे इसकी सजा मिलेगी। सजा मिलेगी।
आप आड़त नहीं गए दो दिन से? मैं कहाँ से जाऊँगा, शर्म लग रही है मुझे, जो भी बुला रहा कर रहा है यहाँ, क्या होगा तेरे साथ, तू तेरी वीडियो कैसे बन गई है, अब मैं किन किन से जवाब किन्ने जवाब दूँ, इसलिए जाता ना हूँ मैं। आप जा नहीं रहे मंडी मारे शर्म के? नहीं जा रहा, शर्म आ रही आप। देखिए ये अमित की कहानी है, लगता नहीं है कि हम लोग कभी कुछ, वो कहानी जो अमित है, हम लोग 2023 में नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग 100 साल पहले हैं। कि सोचिए अमित ने सब्जी ली, एक आड़ती से, उसका नाम सुंदर है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके 2500 बकाया थे तो इसको पीटा, इसके कपड़े उतरवाए, इसका अंडरवेयर उतरवाया और लगभग आधा किलोमीटर मंडी में घुमाया पीटते हुए। कहाँ कहाँ चोट लगी आपके? वो उसी दिन जैसे डंडे मारे थे तो वहाँ पे जब डंडे मार रहे थे तभी दर्द हो रहा था, फिर मेडिकल रिपोर्ट में मैडम ने पूछा कहाँ दर्द हो रहा, तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ हो रहा, दो पीछे हो रहा हल्का और एक हाथ पे हल्का सा हो रहा था। मैं फिर रिपोर्ट बना ली, फिर जाओ जाओ। जब आप वहाँ रोने भी लगे थे? रो रहा, मैं उसके पैर पकड़ रहा, मैं उससे कह रहा हूँ मुझसे पल्लेदारी करवा लियो, काम मत करवाओ। आपने पैर पकड़े उसके? पैर पकड़े मैंने, मुझसे पल्लेदारी करवा लो अपने पास, मैं पल्लेदारी करके कटा दूंगा तुम्हारे। लेकिन वो नशे में थे, पता नहीं कहा कि नशे में थे, मान ही नहीं रहे थे। कितने लोग थे? वो दो, एक मुनीम थे और सुंदर थे और एक पल्लेदार था, वो पल्लेदार और मुनीम वीडियो बना रहे थे। मतलब दो मार रहे थे और दो वीडियो बना रहे थे? सुंदर ही रहे थे, मार आड़ती रहा था बस, मार आड़ती रहा था, बाकी वीडियो बना रहे, बाकी दो जने वीडियो बना रहे। आपने पैर छुए, बोला कि मैं जो 3000 रुपए है मैं मजदूरी करके आपके यहाँ चुका दूंगा। मैंने कहा मैं आपके पास पल्लेदारी कर लूंगा, मैं दे दूंगा तुम्हें, इतने हैं इतने ले लो। वो कह रहे मुझे सारे चाहिए ना, कपड़े उतार, हाथ में डंडा ले रखा, डंडे के आगे कौन ने क्या क्या ना उतारेगा। अनिल कह रहे हैं कि अब वो अपने गाँव भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि लोगों ने वीडियो देखी है, उनको शर्म आ रही है कि पिटता हुआ घूम रहा है। अब सोचिए कि ये समाज में होता है, समाज के बीच होता है और हम लोग नहीं बोलते हैं। आज अनिल के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। अब अनिल उस जगह नहीं जा सकता जहां पर वो सालों से काम कर रहा था। आपने उस दिन थोड़ा इनकी मदद करी। आपका नाम? मेरा नाम नीरज है। जब मैंने इसकी हालत देखी तो मुझ पर रुका नहीं गया, मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो एक बंदे से मैंने कि कपड़े ले आ, इसके ये नंगा बैठा हुआ है, नंगा बैठा हुआ है। तो मैं जब वो लड़के कपड़े ले गया तो सुंदर आड़ती जो था उसने छूटते गिन गाली देते हुए कहा कि कौन हिमायती है जो इससे मतलब बचाने आएगा, तो इसके कपड़े फेंक दिए, इसको फिर डंडे मारे वहाँ और फिर इसको मतलब ले जा कर सीधे घुमाने आगे तक ले गया घुमाते हुए। और कोई भी आड़ती नहीं बोला उस टाइम, कोई भी वहाँ बहुत पब्लिक थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। सर इसकी मैंने आँखों में उस दिन इतनी वो देखी है, ये बंदा ये कह रहा मैं मर जाऊँगा। हाँ जी, हाँ जी मैंने समझाया, मैंने कोई बात नहीं है, तेरे संग जो हुआ है वो गलत हुआ है, बात बाकी जो उसे सजा मिलनी चाहिए जो इसने गलत काम करा है सुंदर ने उसके लिए। आपने गवाही भी दी है शायद? हाँ जी, हाँ जी मैंने अपना नाम लिखवाया गवाही में। और मुझे मुझे इस बात का भी है, मैं मंडी में जाता हूँ, हो सकती है कल को मेरे ऊपर कोई भी, अगर बाय चांस कोई भी मतलब हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे। हाँ जी। आपको धमकी भी आ रही है? मैं ज़्यादा मिला ही नहीं किसी से, मिले ही नहीं, नहीं मिला। आप पर दबाव तो नहीं बना रहे कि समझौता कर लो ऐसा कुछ? ऐसा तो अभी किसी ने बोला ना मुझसे कि मैं किसी को मिल ही ना रहा हूँ, कि मैं जाऊँ डुकडुक के रह रहा हूँ, डुकडुक के रह रहा हूँ, मैं किसी से साथ रह ही ना पा रहा हूँ, छुप छुप के रह रहे हैं। कहानी बता दी भैया ने कि इन्होंने दहशत देखी है, मरने जा रहे थे, इनको रोका, गलती क्या थी इनकी, इनके पास 3000 रुपये चुकाने के लिए नहीं थे, 2500 दे दिए तो कह रहे थे मजदूरी करके आपको वो पैसे चुका दूंगा। ये हार अनिल की नहीं है, ये हार समाज की है। सर इसके माँ बाप खत्म हो चुके हैं, ये अनाथ है बिल्कुल, ये अपना कैसे भी जब 2 रुपये कमा लेता तो उससे रोटी खा लेता वरना भूखा सोता है। कितने साल से है आड़त में? ये कम से कम 20 साल हो गई इसको, हाँ बचपन से वहीं रह रहा है। कितनी है? 30 साल। कभी कभी वो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना ही कहूँगा अंत में
कि सवाल पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल खुद से भी पूछे कि जब आप जाते हैं कुछ गलत होता है तो आप जब नहीं बोलते हैं और गलत होता हुआ देखते हैं, आप उतने ही गुनहगार हैं जितना कि वो जुल्म करने वाला है। अनिल अब जिंदगी भर ऐसे ही छुपके रहेंगे, कह रहे हैं घबराए इतने हुए हैं कि आत्महत्या करने के लिए ये जा रहे थे, उनको रोका गया। फिलहाल यही हकीकत है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।